हेलो हम कंटिन्यू करते हैं ना, ठीक है। अब जो उसमें हमारा रिमेनिंग रह गया था, जो मैंने कहा था पेंडिंग, बेसिकली क्या थी वो प्रोसेस वगैरह थी कि कैसे उन्होंने डिस्कवर किया, क्या किस प्रोसेस से उन्होंने किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो सेंड की है 45 मिनट्स की, आप उसे देख लेना। उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिफाइंड है। हाँ, ऑल दो वो आपकी बुक से नहीं है, बट हाँ वो आपको समझना है तो समझने के लिए वो सफिशेंट है, आप उससे समझ सकते हो तो कॉन्सेप्ट को। और कॉन्सेप्ट एक अगर समझते जाओ, जो टीचर समझा रहे हैं वो कैथोड रे वाला समझा रहे हैं, तो उसे समझ लो और अपनी बुक से को रीड करते चले हो, ठीक है। सर ऐसा क्यों करा रहे हो, आपके पास टाइम है? नहीं है, तो कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। तो ये तरीका है हमारे पास कि आप उससे करो, ठीक है। हम यहाँ से सब करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, इससे पीछे का जो बेसिकली इससे आगे का भी मैं बताऊंगा ना, वो इस वीडियो में थोड़ा बहुत कवर है, ठीक है। तो इससे पीछे का जो रह गया है वो उसके अंदर वीडियो में आराम से कवर है, कोई भी दिक्कत नहीं। बल्कि आपने वो वीडियो अभी आपको पहले वो वाली वीडियो देखनी है, सेकंड वाली जो मैंने भेजी है, ये वाली तो बाद में देखनी है। और अगर आपने देख चुके हो तो आपको पता चलेगा कि जो मैं पढ़ाऊंगा ना इसके बारे में जिक्र ऑलरेडी इस वीडियो में हो चुका है। बात करें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। अब इसके लिए तो आपको समझा दिया मैंने, टॉप चैप्टर का नाम ही समझाया आपको। तो पहले चैप्टर का नाम, पहले चैप्टर का नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेसिकली यहाँ पे बताना चाह रहा है कि एक जो एटम होते हैं, एटम जो एटम होते हैं एटम, उनका बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम किन तीन तीन चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम वो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस, ये चीज़ होती है। ये पूरा स्ट्रक्चर बताया गया चैप्टर के अंदर बेसिकली। यानी ये चैप्टर जो बेसिकली है वो किसके ऊपर है? मेनली एटम के ऊपर। तो सर इसके अंदर मॉलिक्यूल्स वगैरह की बात क्यों की गई थी? वो थोड़ा सा हिस्ट्री बताई गई थी कि मैटर किससे बनता है, मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल किससे बनता है, मैटर से, वो एटम से। तो एटम तक पहुंचना था, तो एटम तक पहुंचने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी स्टोरी दी। बेसिकली जो आपका चैप्टर है यह है आपका वो एटम्स के ऊपर, ठीक है। तो हम वो इसका कुछ पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। वी नो दैट देर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स विद अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस। सर ये क्या लिखा हुआ है तो पता नहीं, पर ये पता हुआ है कि हमें पता हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से वे एक दूसरे क्या करते हैं, खींचते हैं। अगर आपको ये नहीं पता ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैंने छोटी छोटी 3-3 4 मिनट की वीडियोज भी मैंने उसमें डाल रखी है यूट्यूब पर, देखना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो क्लोजनेस पे क्या फर्क पड़ता है ना, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी। अगर आप भूल चुके तो उनको पहले देख लेना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। तो वो कह रहा है हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है पार्टिकल्स के बीच में, जिससे वो क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर कह रहा है विद अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब ये जो फोर्स अट्रैक्ट करता है यहाँ पे, लेकिन अट्रैक्ट करते हैं कैसे करता है, अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज के साथ अट्रैक्ट करता है। जैसे नेगेटिव के लिए पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करता है। और जिस वजह से क्या होता है, दस देर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो भी कैंसर है कि अपोजिट चार्ज वाले तो दो ही, अपोजिट चार्ज वाले तो दो ही वो है पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो इसका मतलब क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जिस्ट करता है वो किसके बीच में करता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ प्रेजेंट प्रोटॉन्स के बीच में, ठीक है। फिर कह रहा है इट इज एक्सपेक्टेड दैट इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लाइटर चार्ज्ड एंड इन कांस्टेंट मोशन वुड ग्रेजुअली लूज एनर्जी एंड कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड इवेंचुअली फॉल इनटू इट। वो कह रहा है ऐसा माना जाता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो थोड़ा हल्का होता है, ठीक है, चार्ज होता है, इन कॉन्स्टेंट मोशन होता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा कि वो धीरे धीरे अपनी सारी एनर्जी खो देगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन में सारी एनर्जी खो देगा और कहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, कम क्लोजर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, एंड इवेंचुअली इवेंचुअली एट लास्ट, यानी लास्ट में आके क्या हो जाएगा, फॉल इनटू इट, उसके अंदर गिर जाएगा। सर ये कैसे दिखा रहा है, वो कह रहा है भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चलता चलता आएगा 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 आएगा,
ऐसे आता जाएगा, ऐसे आता जाएगा, धीरे धीरे आता जाएगा। एक टाइम आएगा ये बेचारा यहाँ पर आकर इस न्यूक्लियर के अंदर गिर जाएगा, न्यूक्लियर के अंदर गिर जाएगा एक टाइम पर, ठीक है। दस अ रियल टाइम इन द स्ट्रक्चर कॉलेप्स ऑफ एन एटम। और इस तरह से तो सर एटम का स्ट्रक्चर जो बिगड़ जाएगा, बट दिस डज नॉट हैपन, बट ऐसा होता नहीं है। फिर सर ये क्यों बता दो? एक्चुअली एक्चुअली क्या था जो मैंने बोला, उसको एक बार बैक करके सुन लेना बेसिकली, है ना। वो कह रहे यहाँ से, यहाँ तक तो लिखा हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक तो लिखा हुआ है, ऐसा रदरफोर्ड का कहना था, ऐसा रदरफोर्ड का कहना था, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। यानी कि रदरफोर्ड ने गलत बोला, गलत नहीं, इनकम्प्लीट नॉलेज। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट नॉलेज। वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करते 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 उन्होंने ये पता लगाया, और एक्सपेरिमेंट में क्या उनकी गलती हो गई कि वो उस कंक्लूजन पर पहुंचे। अब तो उनका कंक्लूजन गलत आया, बाद में लोगों ने पता किया, बाद में साइंटिस्टों ने पता किया, तो उन्होंने बताया कि ऐसा तो होता ही नहीं, दिस डजंट हैपन, ऐसा तो होता ही नहीं रियलिटी में, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो वो लिखा हुआ है कि रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी बनाने में सक्सेसफुल नहीं हुए, वो फेल हो गए। इट वॉज नील बोर हु कुड एक्सप्लेन द एटम की स्टेबिलिटी। फिर बाद में एक नए साइंटिस्ट आए, नील बोर करके, जिन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया एटॉमिक स्टेबिलिटी को। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व तो करते हैं इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड सर्कल में, ठीक है, और सेल कह सकते हो उसे, अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड। वो उसके पास बहुत हाई स्पीड में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं विद ईच ऑर्बिट एसोसिएटेड विद अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर ऑर्बिट पे अलग अलग अमाउंट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लूज नॉर से नाइदर लूज नॉर गेन एनर्जी। और क्या कह रहा है, इन सेल्स में या फिर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ना तो अपनी एनर्जी खोते और ना ही वो अपनी एनर्जी गेन करते, ठीक है। अनटिल कब तक नहीं करते, अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, जब तक तो कोई भारी फोर्स, जब तक तो कोई भारी ताकत यहाँ पर अप्लाई नहीं की जाती, तब तक इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। जिस तरह से वो क्या करते हैं, दे मेंटेन देयर पोजिशन, जिस तरह से वो क्या करते हैं, जब उनकी एनर्जी में चेंज ही नहीं आता, तब वो अपनी पोजिशन क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। एज अ रिजल्ट द इनवर्स फोर्स एग्जर्टेड बाय द न्यूक्लियस इज काउंटर बैलेंस बाय द आउटवर्ड फोर्स ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, सो दस प्रिवेंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस देयर बाय मेकिंग द एटम स्ट्रक्चरली स्टेबल। तब कह रहा है एज अ रिजल्ट, अब इस वजह से क्या होता है, सर यहाँ से अंदर से, तो अंदर से इनवर्ट फोर्स मतलब कि अंदर से न्यूक्लियस का फोर्स लगा रहा है, एग्जर्ट मतलब ट्राई करना, एग्जर्ट मतलब ट्राई करना, अंदर से तो न्यूक्लियस स्ट्राइक कर रहा है, किस चीज का ट्राई कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का, अपनी तरफ खींचने का। लेकिन ऑन दिस अदर साइड, अब बाहर से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो भी फोर्स कर रहे हैं, वो भी ताकत लगा रहे हैं अपनी जगह पर फिक्स्ड पोजीशन बनाए रखने की, जिस वजह से दोनों की पावर का आपस में टक्कर होती है, मतलब चाहे आपस में टकराते हैं और कुछ नहीं हो पाता। इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को बचा लेते हैं, वो अपने आप को प्रिवेंट कर लेते हैं न्यूक्लियस के पास जाने से, यानी न्यूक्लियस में गिरने से अपने आप को बचा लेते हैं। उन्होंने कहा इस तरह से, उन्होंने कहा कि इस तरह से एटम क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल रखता है, इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर क्या रहता है, स्टेबल रहता है। इस तरह से उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूव किया, किसने किया, नेल बोर ने, ठीक है। अभी मॉडल बता रहा है, बेसिकली मॉडल मतलब क्या, अब बता रहे कि एटम होता कैसा, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, वो भी यहाँ पे बता रहा है। अब मॉडल बता रहे, मॉडल मतलब क्या, आज के टाइम पर इतनी रिसर्च हो पाई है, आज के टाइम से मतलब क्या, जिस टाइम पर ये बुक लिखी गई है उस टाइम तक जो रिसर्च हो पाई है उसके बेस पर क्या मॉडल है एक एटम का। तो वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एटम, एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम क्या करता है, एटम किससे बना होता है, सबसे मिलकर बना होता है, सब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से, ई पी एन, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, ठीक है। देर आर टू स्ट्रक्चर पार्ट्स ऑफ एन एटम, सो सर इसके अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं, दो जगहें होती हैं सर, ये तो वो होता है, ये तो गोल, ये तो सभी समय तो पार्टिकल है,
पार्टिकल जो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, दो जगह भी होते हैं, दो जगह भी होते हैं, दो जगह भी होती है एटम के अंदर। एक होता है न्यूक्लियस सेंटर ये, और एक ये राउंड से ऑर्बिट, और एक क्या ऑर्बिट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जो न्यूक्लियर के अलावा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन दी एम्प्टी स्पेस, दैट्स नाउ द न्यूक्लियस, एक एम्प्टी स्पेस जो क्या करती है, न्यूक्लियस को सराउंड करती है। तो दो ही जगह होते हैं, द पॉजिटिवली चार्ज, द पॉजिटिवली चार्ज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। वो कह रहा है ये जो है ना, ये न्यूक्लियस, यहाँ पर भी एक चार्ज होता है, यहाँ पर भी एक चार्ज होता है, वो कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव, वो कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव है ना। इट कंटेन्स प्रोटॉन्स, सर पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं बहुत सारे, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली नोन एज ए न्यूक्लियोन्स, ये याद करना पड़ेगा आपको, एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस को एक साथ क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली न्यूक्लियोन्स, ठीक है। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर हेल्ड फर्मली, फर्मली मतलब स्ट्रांगली इन द न्यूक्लियस बाय स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, बाय स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। द एंटायर मास ऑफ एन एटम लाइज इन द लाइज इन इट्स न्यूक्लियस। वो कह रहा है एटम का जितना भी मास होता है ना, वो सारा का सारा मास कहाँ लाया करता है, न्यूक्लियस में। क्यों? क्योंकि वहीं पर तो वेट वाली सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर लॉजिक रोड फसल लग रहा है, यहाँ वो कह रहे हैं सिंस इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास, सर मतलब, मतलब कहने का मतलब क्या था, तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं, जरा समझना, तीन ही तो सब एटॉमिक पार्ट्स होते हैं इनके। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं और प्रोटॉन, वो कहना प्रोटॉन यहाँ पर आता है, न्यूट्रॉन्स भी यहाँ पर आता है, इसका वेट ना के बराबर होता है, इसका वेट ना के बराबर होता है। तो सर जो वेट बचा, वेट तो इन दोनों में तो हुआ, और दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, न्यूक्लियस में, तो सारा का सारा वेट कहाँ पे आ गया, मास कहाँ का सारा मास कहाँ पर आ गया, न्यूक्लियस में तो आ गया, इसलिए लिखा हुआ है। क्योंकि केवल ई यहाँ पर नहीं है, और ई यहाँ पर नहीं है तो उसके वेट से फर्क पड़ेगा, अरे ई के यहाँ पे ना होने से तो फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि ई में खुद वेट नहीं है, ई में खुद में कोई मास नहीं है, का तो खुद कोई मास नहीं है, मतलब है लेकिन बहुत नेगलिजिबल है, ना के बराबर, ठीक है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज, द पॉजिटिव ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट, ये मैंने बताया था सर। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? ड्यू टू प्रोटॉन्स। अब बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो हाईलाइट तो मैं करवाऊंगा करवाऊंगा, वरना जो बात मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ उस चीज को ध्यान रखनी है आपको। द प्रोटॉन्स रिमेन अनअफेक्टेड बाय द न्यूट्रॉन्स, द प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनमें कोई चार्ज नहीं होता, जब कोई चार्ज नहीं होता वो फ्रैक्चर डालेगा, तो भी लिखा हुआ है सिंस द लेटर हैव नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो बाद वाला नंबर है ना, बाद वाला नंबर, बाद वाला नंबर मतलब क्या, ये न्यूट्रॉन्स, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज ही नहीं होता तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऑर्बिट्स आर द इमेजिनरी पाथ, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, सब कोई दिखने वाली चीज नहीं होती है, एक इमेजिनरी पाथ होता है ये, जो कौन ट्रेस करता है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद ट्रेस कर लेते हैं एक खाली जगह पर, है ना, एक खाली जगह, और एक ऐसी जगह जो न्यूक्लियस को घेरे हुई है ना। ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हर ऑर्बिट में एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, देयर फॉर दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल, इसीलिए इनको हम और भी क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स को हम और भी क्या बोलते हैं, ये नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, एमसीक्यू में कुछ भी घुमा के पूछ सकता है, एनर्जी लेवल्स ऑफ एनर्जी सेल्स है ना। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन दीज ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स इनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ध्यान रखना है आपको। द सेल लाइंग क्लोजर द न्यूक्लियस कैरीज द लोएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड द सेल दैट लाइज फार्दस्ट फ्रॉम द फ्रॉम इट कैरीज द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब क्या इनका कहने का, अब मतलब इनका यह है कि ऑर्बिट है तो जैसे पास में, तो बहुत पास में, तो बहुत पास में, तो यहाँ पे कम एनर्जी होगी, एक ये वाला ये इतनी दूर है तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, लिखा भी हुआ है, ये पास वाला जो है लोएस्ट एनर्जी, ये दूर वाला है हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इन्होंने ऑलरेडी आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना है आपको ये। दूसरा क्या बताया उन्होंने, नेक्स्ट क्या बताया कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज,
एटम इलेक्ट्रिकल तो न्यूट्रल है, सर ऑब्वियस होता है, न्यूट्रल तो हो गया, आपने स्टार्टिंग में समझाया दिया। हाँ मैंने समझा दिया ऑलरेडी आपको कैसे न्यूट्रल है। सर इसके अंदर तीन एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज ही नहीं होता तो उसको तो छोड़ ही दो। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कटे आते हैं तो जहाँ क्या कुछ भी नहीं बचा। तो वही लिखा हुआ कि इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होता है सेम होते हैं, जिससे वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बस सर उन्हें उसकी तो बात ये ही नहीं, क्या कहते हैं न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन इम्प्लाइड है ना, क्योंकि उसके पास कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज है ही नहीं। व्हाइल द न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दिस नंबर इटसेल्फ वेरीज फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। इन फैक्ट नो टू एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज व्हाई ईच एलिमेंट डिफर्स फ्रॉम द अदर इन इट्स प्रॉपर्टीज। वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट से लास्ट वीडियो में, जो मैंने आपको वीडियो बनाई है पहली वाली, जो मेरी इस चैप्टर की है, उसमें मैंने बताया था कि एक सब्सटेंस के अंदर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स मैच सेम होंगे, ठीक है। अलग अलग सब्सटेंस के अंदर देख रहे हो तो नहीं, हर सब्सटेंस की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, हर सब्सटेंस में अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये रीजन है कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती ठीक है, और कुछ नहीं रखा जाता है। ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है आपको, एक सोडियम एटम है, वो सोडियम एटम कैसे होता है, वो सोडियम एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल सब वैसे फैले रहते हैं, इस तरह से फैले रहते हैं इसके अंदर। ये स्ट्रक्चर क्या बना, डू यू नो द इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दैट मेक अप एन एटम आर जस्ट थ्री ऑफ मोर देन 200 सम एटॉमिक पार्टिकल्स विल फिल इट। ओहो वो कह रहा है कि अब तक हमने जान तो 200 और 200 से ज्यादा लिए हैं, अब तक हमने सब एटॉमिक पार्टिकल जान तो बहुत ले गए हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से केवल 10 3 नंबर है, यानी इससे ज्यादा भी हमने ढूंढ लिए हैं, इससे ज्यादा हमने अब तक डिस्कवर कर लिए हैं। नहीं, ये कह रहा है अभी तक हमने 200 में से कुल 300 ही क्या कर पाए हैं, ढूंढ पाए हैं। वो कह रहा है कि अगर देखें हमारे स्पेस में, हमारे अर्थ में, हमारे अर्थ में है तो बहुत सारे, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर देखा है, यहाँ तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मोर देन 200 है, किसी ने एस्टिमेट करके बताया कि 200 से ज्यादा है, लेकिन तो आइडेंटिफाइड कितने हुए, केवल तीन, केवल कितने तीन, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बस। एटॉमिक नंबर अब तक का मैं आपसे बोलूंगा, अब तक का जितना भी हो चुका है आप ही को रिवाइज कर लो, जितना मैंने पढ़ाया है। क्यों, और जो प्राणी आ रहे हैं तो डिफरेंट टॉपिक है ये, ठीक है। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अभी बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, एटॉमिक नंबर। आई थिंक हमें रिवाइज कर लिया होगा, अब आप वीडियो पॉज प्ले करके दोबारा से देख रहे होंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को, जेड से, इंटीजर्स नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर ये जेड से एटॉमिक नंबर है। तो वो कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में बोला, न्यूक्लियस में तो होते हैं प्रोटॉन, है ना, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी वो कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जो कि जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, यानी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जेड से। सिंस एन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल एटम हैज एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन सच एन एटम। अब वो कह रहा है अगर हम एक ऐसा एटम लें जो कैसा न्यूट्रल है, जो कैसा न्यूट्रल है, बहुत ट्रिकी बात कर रहा है, मैथमेटिकल मुझे नहीं पता इसके अंदर मैथमेटिकल क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, तो मैं समझा रहा हूँ, मैं ये मान के चलूँ कि अगर आ गया क्वेश्चन तो आप कैसे करोगे। वो कह रहा है अगर आप एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नंबर लो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नंबर मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम मतलब कि जिसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। सर कोई चार्ज क्यों नहीं होगा ये मेरे को बताओ जरा, अगर भूल गए तो कोई समझ में नहीं आ रहा, फिर आपको सारी वीडियो दोबारा से देखो इस चैप्टर की, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो मतलब
एटम न्यूट्रल कब होगा? जब सर उसके तीन एटम्स होते हैं जिनके चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के तो कुछ चार्ज नहीं, तो उसको छोड़ ही दो। बचे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से चार्ज आता है, लेकिन क्या न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब जीरो, कोई चार्ज ही नहीं। तो कोई चार्ज कब नहीं होगा? जब इलेक्ट्रॉन के चार्ज से प्रोटॉन के चार्ज कट जाए, कैंसिल हो जाए, फिर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन के चार्ज कैंसिल हो जाए। और सब वो कैंसिल कब होंगे? जब दोनों बराबर होंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो अगर मैं बोलूँ, अगर बोलूँ कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाँच है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाँच है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कितने होने चाहिए? फाइव ही तो होने चाहिए, तभी तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। तो वही लिखा हुआ है, अटोमिक नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बेसक बेसक अटोमिक नंबर की डेफिनेशन तो ये कहती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट करो। लेकिन हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इस केस में, इस केस में। तो इस केस में आपका फॉर्मूला, आप अटोमिक नंबर दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से भी, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी पता लगा सकते हो अटोमिक नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा है वो, एन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 8 प्रोटॉन्स। अगर एक ऑक्सीजन है उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स है, 8 प्रोटॉन्स है, ठीक है, और वो कह रहे हैं ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल एटम है, तो आप बताओ उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो अगर प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 8 होंगे। एटॉमिक नंबर क्या होगा सर? एटॉमिक नंबर मतलब क्या है? तो दोनों में से कोई भी एक देख लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखो सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 ही आएगा। अब इस वजह से एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया आपका? 8 हो गया। बट इजी, वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस व्हिच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट नेवर वेरीज इन इट्स कार्डिनल्स। को भी हाल फिलहाल कोई काम के नहीं है, ठीक है। मास नंबर, सर ऊपर भी तो कुछ था, वो एटॉमिक नंबर था, ये मास नंबर था। एटॉमिक नंबर क्या बताता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे क्या बताएगा मास नंबर में? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, क्या ये क्या होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड, सर सम लिखा है ना, सम तो दो चीजों का होगा, सम तो दो से दो या दो से ज्यादा चीजों का होगा, कि प्रोटॉन से बोली से कि प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओहो, यानी कि सर अगर अकेले प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर बन गया, अगर हमने उसमें न्यूट्रॉन्स भी ऐड करें तो मास नंबर बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा? मास नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता चल गया क्या? मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ, तो ये भी क्या हो जाएगा? मेरा मास नंबर ही हो जाएगा। सर कैसे? जेड मतलब क्या? एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हो गया ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। तो ये भी फॉर्मूला लिख लेना, अगर क्वेश्चन आंसर आ गए, मुझे नहीं पता आएंगे नहीं आएंगे, मुझे नहीं पता, अगर आगे तो हर तरह के फॉर्मूले लिख के रख लो आपके पास। दस, ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं फिर आप कहोगे सर क्या है, इजी लिखा हुआ है बेसिकली। न्यूट्रॉन पेरेंट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, इट इज डिनोटेड बाय लेटर ए। बस कुछ नहीं लिखा। दस, इफ एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट आर नोन। अगर किसी का आपको एटॉमिक नंबर पता है, मास नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता हुआ है, पता है, तो आप क्या कर सकते हो? इजिली कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सर वो क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं कहना चाह रहा, वो कह रहा है आपके फॉर्मूला याद है, ये वाला फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है आपको एटॉमिक नंबर पता है, आपको एटॉमिक नंबर पता है। एटॉमिक नंबर मतलब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कम के बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं अगर आपको पता है, सपोज 10 है, ठीक है। आपको ये भी पता है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट भी आपको पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी आपको पता है, तो क्या आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या करें, मैंने इसको बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 50। क्या आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो? क्या दिमाग लगाओ। वो कह रहा है कोई भी ना, कोई भी इजिली कैलकुलेट कर सकता है। देखते हैं आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, क्या आप कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हो। सर ये प्लस वाला नंबर है, मेरे को प्लस की वैल्यू चाहिए, तो मुझे इसको अकेला करना पड़ेगा, अकेले के लिए मैं इसको यहाँ पे भेजूंगा, तो सब 15 - 10 5 हो जाएगा, तो आपकी नंबर न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएगी? 5 आ जाएंगे। तो वो इजी है, तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया? ए माइनस जेड। तो देखो कैसे निकला, ये ए था, इसमें सामने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने, और क्या बोल सकते हैं, जेड भी बोल सकते हैं,
ये माइनस जेड हो गया, तो ये फॉर्मूला बन गया। यानी कि सर ये दोबारा से याद करना है क्या? नहीं, ये वाला आपको याद है तो इसी को आप घुमा फिरा के दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो खुद से। हाँ, अगर नहीं बना सकते, इतनी मेहनत नहीं कर सकते, आपको डेवलप नहीं करना अपना ब्रेन, तो आप रटते जाओ, आप नए नए फॉर्मूले रटते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अपना ब्रेन डेवलप करना है, अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है, इंटेलिजेंट बनना है, तो इन फॉर्मूलों पर थोड़ा जोर डालो, ठीक है? इन फॉर्मूलों पर वर्कआउट करो। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर सोडियम एटम। एक सोडियम एटम लो जिसके एटॉमिक नंबर क्या है? 11। एटॉमिक मतलब क्या? जेड। मास नंबर क्या है? ए। क्या न्यूट्रॉन से निकाल सकते हो? जेड माइनस ए करके इजीली निकल जाएगा, ठीक है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट विद इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, वो कह रहा है। तो आप ही की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाओ किसी भी एलिमेंट की विद इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ओके, वो कह रहा है कोई भी एक एलिमेंट ले लो। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लो। हाँ, कोई भी एक एलिमेंट ले लो। अब उस एलिमेंट को इस तरह से लिखो सिंबल फॉर्म में, उसको कैसे लिखो? सिंबल के फॉर्म में। उसको कैसे लिखो? सिंबल के फॉर्म में लिखो। और उस एलिमेंट को ऐसे लिखो कि उसके एटॉमिक नंबर ही हमें दिखाई दे और उसके पास कितना मास है ये भी हमें पता चले। यानी कि हमें ये पता चले उस एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। तो वो कह रहा है सपोज देयर इज एन एलिमेंट एक्स है, ठीक है? एक्स है, ठीक है, विद मास ए, जिसका मास नंबर क्या है? ए। जिसका मास नंबर क्या है? ए। और एटॉमिक नंबर क्या है? जेड। तो इस नंबर को पता है कैसे सिंबल सिंबलाइज किया जाएगा? इस तरह से। अब इस तरह से दोनों में डिफरेंस क्या है? ए को आगे पीछे कर सकते हो, पर लिखोगे ऐसे ए को ऊपर जेड को नीचे। यानी कि जो मास होता है, मास मास तो ऊपर है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे लिखा जाता है। सर कैसे याद रहेगा कि मास ऊपर आता है, जेड नीचे आता है? तो ध्यान रखो, ए फॉर एप्पल, ए सबसे पहले आता है तो सबसे पहले वाला सबसे ऊपर आएगा, सबसे पहले वाला सबसे ऊपर आएगा। जेड सबसे लास्ट में आता है बी सी डी में, तो सबसे लास्ट वाला सबसे लास्ट में आएगा, बिल्कुल पैरों में सबसे नीचे, ठीक है? दो मिनट को हैंग हो गया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, आप ये पढ़ लेना, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करा रहा। जो मैंने समझाया था उसको ऑलरेडी पढ़ने से मैं टाइम वेस्ट होगा, आप पढ़ लेना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वही लिखा हुआ है कि मास ऊपर आएगा और एटम्स नीचे आएंगे, ठीक है? एग्जाम्पल, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज ओ, ठीक है? ऑक्सीजन एक हमारा सब्सटेंस, एक एलिमेंट है, वो ओ है। उसका ना मास है 16, उसका मास क्या है? 16। उसका मास क्या है? 16, ठीक है? उसका मास क्या है? 6। एटॉमिक पावर क्या है? 8। अब बताओ इसको कैसे लिखोगे? सर ओ तो ये रहा, आपने बताया था सबसे ऊपर लिखा जाता है ए। ए मतलब एटॉमिक नंबर, ए मतलब एटॉमिक नंबर होता है, ए मतलब मास नंबर होता है। ध्यान मत रहना, ये भी कन्फ्यूज आप हो जाओ। ए फॉर यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं है, ए मतलब यहाँ पे मास नंबर है और जेड मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। तो ए फॉर एटॉमिक नंबर मत कर देना, ये मीनिंग भी ध्यान रखने वाली चीज़ है आपकी। तो सबसे पहले ए, ए मतलब क्या? एटॉमिक नंबर ना, मास नंबर। तो मास देखो, मास उसका कितना है? 16। तो पहले क्या आएगा? आप लोग को यहाँ पर इसको, यहाँ आप लोग को यहाँ आप लोग को बात देखिए, और नीचे क्या आएगा? जेड। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना? 8। तो इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है? बस इजी चीज़ें बट अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे लिखे कैसे जाते हैं, तो समझो कि आप बहुत पीछे जा रहे हो। बहुत मतलब आप अपने माइंड से बिल्कुल एफर्ट्स नहीं दे रहे हो।
अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आ रहा है तो वो वेल बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आ रहा ना ये चीज़ भी आपको समझ में बिल्कुल भी, तो इसका मतलब आपने मेहनत करना बहुत छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया आपने लास्ट ईयर से, बिल्कुल आपने छोड़ दिया मेहनत करना जब से आपके लॉकडाउन लगे, सबके स्कूल ऑफ हुए, आपने बिल्कुल मेहनत करना छोड़ दिया बिल्कुल। एंड एटम एक्स है एटॉमिक नंबर 12 एंड मास नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये आपसे बोल रहा है, ये करके जो क्वेश्चन दे रहा है। वीडियो पॉज करो और जल्दी देखो, दो चीज़ें आपको पता करनी बतानी है इसके अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सारे बताने हैं आपको, दिमाग ला के बताने हैं और उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी देनी है उसकी, ठीक है। वीडियो पॉज करो और करो, आई थिंक आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, एटॉमिक नंबर मतलब क्या जेड, मास नंबर मतलब क्या ए, तो सर इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ अभी, अभी तो सर मैं इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकता हूँ, न्यूट्रॉन्स, अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूँ तो न्यूट्रॉन्स में निकाल सकता हूँ ए माइनस जेड करके, ए माइनस जेड करके फॉर्मूला ही लिखना है, फॉर्मूला बोलता है आप लिखते जाना अभी सर, तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैंने निकाल लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे कितने हैं, 12 आ गए, ठीक है। अब ये मेरा क्या था, ये क्या था मेरा, ये मेरा क्या था जेड, मेरा एक चीज तो निकला है, मेरे न्यूट्रॉन से निकला है, मेरे प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन से चाहिए सर, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन अलग से निकालने पड़ेंगे, प्रोटॉन निकल तो इलेक्ट्रॉन तो अपने आप ही निकल जाएगा, हाँ सर वो तो अपने आप निकल जाएगा, क्यों अपने आप निकल जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। आप प्रोटॉन कैसे निकालोगे, प्रोटॉन्स के लिए मीनिंग क्या देना, मास नंबर क्या कहता है, मास आपको बताता है सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके सर, यानी इसके अंदर भी आता है हमारा प्रोटॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या बताता है आपको, एटॉमिक नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अरे ये रहा, तो अब यहाँ पे और क्या लिख दोगे, ए इज इक्वल टू प्रोटॉन्स, सर ए मतलब क्या, प्रोटॉन्स खुद होता है, अब प्रोटॉन्स इज इक्वल टू खुद इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो तीनों आपके पास निकल रहा है, यानी कि ये हो गया आपका 12, तो सारे 12 12 है, हाँ सारे 12 12 है, उसको सिम्बोलिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सर एटम एक्स है सर, ए ऊपर आता है, ए कितना है 12, तो ए 12 ऊपर आ जाएगा, नीचे आता है जेड, जेड मतलब आपका है, अरे एटॉमिक नंबर, हाँ ऊपर आता है ए, ए मतलब मास नंबर, सॉरी ऊपर आएगा मास यानी 24, और जेड नीचे आएगा कितना 12, ठीक है। हमें ए 24 लेना है बेटा, यहाँ पे हमने गलती लिख दिया, ये जो हमारा ए है ना, ए ए 24 है ये हमारा, आप भी ध्यान ही देते हो, सर गलत करें तो गलत ही करने दो सर को, ये हमारा ये ना हो गया, ठीक है। ऐसे का सही है, सही नहीं तो समझ लो बहुत इजी थे ये, कुछ आपको टेबल दे गई है जिसके अंदर आपको कुछ कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बताए गए, मास नंबर बताए गए, तो इनकी क्या जरूरत पड़ेगी, कभी पूछ सकते हैं आपसे, पता नहीं क्यों समझते कि बच्चा सब कुछ याद कर सकता है, मुझे समझ में नहीं आता हर चीज़ क्यों देते हैं याद करने के लिए, पर अब दिया है तो मैं कुछ कह नहीं सकता सर, याद करना नहीं करना, देखेंगे क्वेश्चन चैप्टर क्लास में अगर क्वेश्चन हुए इनके इनके ऊपर तो मैं याद करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन नहीं हुए तो रीड कर लें, रीडिंग सफिशियंट रहेगी फिर, बहुत सारे टॉपिक आपको वो टेबल दी हुई है, आइसोटोप्स सर ये नाम पर जाना फैशन से लग रहा है, जाना फैशन से लग रहा है, हाँ अगर ध्यान से पढ़ा होगा, थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेकर पढ़ा होगा तो ध्यान होगा, जो मेरी पहली वीडियो थी चैप्टर की उसके लास्ट में मैंने तो बताया था कि आइसोटोप्स, मैंने बोला भी था कि आइसोटोप्स अगर इस चैप्टर में होगा तो आप पढ़ेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे, तो वो आ गया, वो कह रहा है बाय नाउ यू हैव लर्न्ड, वो भी खुद एज्यूम करके चला कि अब तक सीख चुके हो, वो भी अब तक एज्यूम करें कि आप अब तक सीख गए होंगे, पर आप पता नहीं क्या कर रहे हो ना, दैट ईच एलिमेंट हैज इट्स यूनिक एटॉमिक नंबर, आप अब जान चुके होंगे, क्या जान चुके होंगे,
कि हर एलिमेंट का अपना यूनिक एटॉमिक नंबर होता है। जैसे मतलब हर एटम के अंदर हर जो एलिमेंट होता है उस एटम के जो एलिमेंट होते हैं उनके पास सेम नंबर प्रोटॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में, ठीक है। बट जो मास नंबर है वो हर एटम का क्या करता है, वेरी करता है। वो मे और मे नॉट बी द सेम, वो सेम हो भी सकता नहीं भी हो सकता मास नंबर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स न्यूक्ली ऑफ ऑल एटम्स इन एलिमेंट हैज द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। बट सम ऑफ देम हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बट हमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, न्यूक्ली सेम होते हैं, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। देयर फॉर वी कैन से दैट देर आर सम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द अदर एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू द मास नंबर नॉट एटॉमिक नंबर। सच एटम्स आर कॉल्ड द आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब कह रहा है कि इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ एलिमेंट ऐसे कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, एटम्स 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 बात करो मैं एटम्स की, ठीक है। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं किसी एलिमेंट के जो डिफर करते हैं दूसरे एटम्स से, उसी एलिमेंट के उसी एटम से दूसरे एटम से डिफर करते हैं। सर डिफर करते हैं किस बेस पे? सर ऑन द बेस ऑफ मास नंबर। वो मास नंबर के बेस पर ना डिफर करते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन मास सेम नहीं होता न्यूट्रॉन्स की वजह से। तो ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप बोलते हैं, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, एक बार में नहीं समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में बैक करने का फीचर है, रिकॉर्डेड क्लास में फीचर है कि आप बैक करके बार बार आगे कर सकते हो, तो इसका यूज़ करो। यानी कि एक बार देखी वीडियो समझ में नहीं आया तो मैं छोड़ दिया, वीडियो को बैक करो। एक बार नहीं समझा, दो बार नहीं समझा, तीन बार नहीं समझा, चार बार 10 बार करो बैक, उसको समझ में आएगा। कब तक नहीं आएगा? अपने आप को थोड़ा पुश करो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। अपने अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया, एक साल से आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहे हैं, तो अपने अप्लाई करने के तरीके को चेंज करो। एक बार मुझे समझ में नहीं आ रहा तो उसको 10 बार करो। ये मैं सोचो कि सर एक बार में नहीं आया तो 10 बार में क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा 10 बार में? सोचो ना कि आएगा कहाँ। गलती करो, खुद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो अपनी गलतियों को। अब आइसोटॉप्स की फॉर्मल डेफिनेशन बता रहा है। आइसोटॉप्स आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर, यानी एक ऐसे एटम्स हैं वो एलिमेंट के जिसके पास एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब रीजन क्या है? रीजन को छोड़ दो, याद करना तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बार बार एक चीज़ को मैं अलग तरीके से बोलूँगा तो आप भी कन्फ्यूज हो जाओगे। ऊपर जो मैंने समझाया था बस वही ध्यान रखो, इसको छोड़ना भी चाहो तो छोड़ देना फ्रेंड को, ठीक है। एग्जाम्पल कह रहे हैं एलिमेंट हाइड्रोजन हैज थ्री आइसोटॉप्स। वो कह रहे हैं हाइड्रोजन जो है ना वो उसके अंदर तीन तीन आइसोटॉप्स होते हैं। सर ये तो हमने पहले ही पढ़ा था कि हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, इसके पास तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वगैरह वो इक्वल भी नहीं होते हैं, कुछ ऐसा हमने देखा। सॉरी इसके मतलब वो ही नहीं होते, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर वो न्यूट्रॉन्स ये वो ही है, इसीलिए इसको न्यूट्रॉन्स ही नहीं होते हैं। इसके पास तीन क्या होते हैं? तीन आइसोटॉप्स होते हैं। पहले आइसोटॉप्स का नाम क्या है? प्रोटियम। दूसरे का नाम क्या है? ड्यूट्रियम। तीसरे का नाम क्या है? ट्रिटियम। इट हैज वन प्रोटॉन, इसके पास वन प्रोटॉन है वन इलेक्ट्रॉन है, बट कोई न्यूट्रॉन नहीं है। इसके पास क्या है? एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन भी है। इट हैज वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन बट दो दो न्यूट्रॉन आ गए यहाँ पे, एक में एक भी नहीं है, एक में एक है, एक में दो है। तो गलती से ऐसा मत कर देना सर कि वन है तो वह प्रोटियम में चला जाएगा, टू है तो वो ड्यूट्रियम में चलेगा, ट्राई में तो तीन कर दो अब, तो ऐसा कुछ नहीं है। नामों को क्वालिटी को ढंग से याद करके चलना है आपको, ठीक है। सिमिलरली कार्बन हैज थ्री आइसोटोप्स विद मास नंबर 12 13 14 एज कार्बन कार्बन कार्बन। वो कह रहा है कार्बन के भी ऐसे, कार्बन भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसको तीन आइसोटोप्स होते हैं, तीन आइसोटोप्स होते हैं, उनके मास नंबर जो अलग अलग हो रहे हैं, मास नंबर बार बार चेंज होते आ रहे हैं। इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है, ठीक है। क्लोरीन के पास भी दो होते हैं, ठीक है। सर इनके प्रॉपर्टीज की क्वालिटीज क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं?
मेरा टाइम हो रहा है बेटा निकलने का, मैं एक टॉपिक ही करा रहा हूँ केवल प्रॉपर्टी, इसके बाद वाला तो फिर मैं कल ही अपलोड कर पाऊँगा और कल आपका तो मॉर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। आप मुझे वीडियो देख के बोल देना कि जब आप वीडियो देख लो, अगर आपको चाहिए होगा तो बस क्या कि वीडियो सेंड कर दूंगा किसी और टीचर की, मेरी नहीं किसी और की। ट्राई कर लेना आपको समझ में आ जाए। अब बेटर रहेगा कि आप खुद ही सर्च कर लो, जैसे यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है यूट्यूब पर, ये टॉपिक डाल देना आपको इस टॉपिक के ऊपर सारी वीडियोज आ जाएंगी। आपको हिंदी में समझ आता हो तो फिर हिंदी टाइप कर लेना, आपको इंग्लिश में समझ आता हो तो फिर नॉर्मली टाइप कर देना, इंग्लिश में आ जाएगा। ठीक है, जैसे टॉपिक की चाहिए वो टॉपिक डालते हैं ना यूट्यूब पर, मिल जाएगा आपको। मेरे भरोसे मत भी रहना, क्योंकि जो मैं भेजूंगा वो भेजूंगा पूरे चैप्टर के, लेकिन पूरे चैप्टर की तो आपको देखनी नहीं होगी, आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक, तो स्पेसिफिक टॉपिक की आप खुद सर्च कर सकते हो। ठीक है, 2 मिनट का डेमो भी देख सकते हो, 2 मिनट का डेमो भी देख सकते हो टीचर का, कि कौन सा टीचर आपको सही लैंग्वेज में पढ़ा रहा है जो आपको समझ में दिया है। ठीक है, तरीके आप इम्प्लीमेंट दिए, अब इम्प्लीमेंट करना आपके ऊपर है। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप क्या एक एलिमेंट है जो क्या करता है, जिसके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सब क्यों होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, इसलिए ड्यू टू सेम एटॉमिक नंबर ऑल द आइसोटोप और एन एलिमेंट हैव द सेम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। वो कह रहा है नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तो इसलिए उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होते हैं वो सेम होते हैं। सर इसका मतलब क्या, उनके चार्ज की बात कर रहा है, कि चार्ज उनका सेम ही रहता है बेसिकली। आइसोटोप्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, आइसोटोप्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। कह रहा है आइसोटोप्स ना केमिकल देखा जाए तो वो सेम होते हैं, लेकिन फिजिकल देखा जाए तो फिजिकली उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, जिसमें उनकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, एक्सेट्रा, सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। क्यों जाती हैं, ड्यू टू ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर मास नंबर, उनके मास नंबर में डिफरेंस की वजह से। ठीक है, इसके आई मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, 2 मिनट को मेरे को देखने दो तो टाइम। दो सेकंड रुकना जरा, अब देखो मैं ये तो नहीं पढ़ा रहा, मैं जो मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर मुझे लग रहा है ना तो वो मैं थोड़ा टच कर, थोड़ा ठीक है वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ जो मेरे को इसमें इम्पोर्टेंट लग रहा है। ठीक है, इनमें दो डेफिनेशन मानो केवल है, दो डेफिनेशन केवल में। ठीक है, वैलेंस सेल के होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। तो वैलेंस सेल वो ऑर्बिट की लाइन है, वो ऑर्बिट की लाइन है सबसे बाहर होती है, यानी आउटर मोस्ट लाइन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोल सकते हैं इसको। आउटर मोस्ट सेल जो होता है ना किसी भी एटम का, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल या बैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, और उस इस बैलेंस सेल पर, इस बैलेंस सेल पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये लिखा हुआ है, जैसे मैं एग्जांपल समझा दूं, जैसे ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो जो लास्ट वाली सीट है, लास्ट वाली जो सेल है, सेल लास्ट वाली जो सेल है, इस सेल को हम बोलेंगे वैलेंस सेल, इसको क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल। और इस वाली सेल पर जितने भी एटम्स प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस लास्ट वाली पर, तो उसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
ये आपको पता है कैसन्स और एडियंस किसको बोलते हैं? जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एसन्स बोलते हैं, कैसन्स बोलते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज आयन्स होते हैं उनको हम एडियंस बोलते हैं। ठीक है, एक वैलेंसी होता है ना, वैलेंसी मतलब क्या होता है पता नहीं, मैंने पहले आपको बताया, आपके भाई को बताइए। वैलेंसी मतलब कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर होती है वो एबिलिटी होती है। कैपेसिटी वैलेंसी मतलब कैपेसिटी, एक एबिलिटी, एक पावर, एक एबिलिटी, एक ऐसा कर सकते हो जिससे आप क्या कर सकते हो, दूसरे का जुड़ सकते हो, जिससे कि आप दूसरे के साथ जुड़ सकते हो। तो वैलेंस क्या है? वैलेंस एक कैपेसिटी है। क्या कैपेसिटी? एक ऐसी कैपेसिटी, एक ऐसी एबिलिटी है जिससे एटम, एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो पाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि वाई एटम्स कंबाइन, हाउ डू एटम्स कंबाइन, तो वाई का आंसर क्या होगा? एटम्स कंबाइन ड्यू टू वैलेंस। और हाउ डू एटम्स कंबाइन, तो ये डेफिनेशन में लिख देना है ड्यू टू वैलेंस, इसका भी सिंपल सा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो वैलेंस मतलब वो पावर जिसकी वजह से दो चीज़ें कंबाइन हो पाती हैं। ठीक है, एक तरह से फेविकॉल की तरह ये। ठीक है, सिंपल सा भी नहीं, सिंपल सा भी नहीं, कंबाइनिंग कैपेसिटी, बस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स, बस इतना सा। सर वेरिएबल वैलेंसी मतलब क्या? एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ना कंबाइन होने की पावर ना चेंज होती रहती है, कंबाइन होने की पावर ना चेंज होती रहती है। तो ऐसे टाइम पे जो पावर बोली जाएगी, ऐसे पावर को बुलाएगा वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल ना चेंज होती रहना। ठीक है, रेडिकल क्या है? रेडिकल इज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट बिहेव्स अ सिंगल वेट विद अ पॉजिटिव। और एटम अलग क्या कह रहा है? और एटम अलग क्या कह रहा है? रेडिकल क्या है? रेडिकल एक तरह का एटम है जो क्या करता है, सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है। जो कैसा करता है? सर बिहेव करता है, सर बिहेव करता है, और इसको पढ़े या तो पॉजिटिव साइन होगा या तो पॉजिटिव, या फिर और लगा हुआ और है ना, और या फिर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक ही चार्ज होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स है तो उसको हम अगर बोलते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज रेडिकल है तो उसको एसिड रेडिकल बोलते हैं, और ये प्रीवियस चैप्टर से भी समझा चुका हूँ। ठीक है, बेसिक रेडिकल्स को कैसेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एसिड रेडिकल्स को एनियंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स है थोड़ी बहुत, तो टीचर ने भी समझाई होंगी आपके स्कूल में। नहीं सर, टाइम है नहीं, अभी हमारे पास टाइम है नहीं कि मैं और वो समझा पाऊँ डिटेल में। ठीक है, और कल भी क्लास अपलोड करूँगा तो कल तो आप देख भी नहीं पाओगे, और कल ही मुझे टाइम मिलेगा अपलोड करने का, और तो टाइम मिलेगा नहीं, तो कल आप देख नहीं पाओगे मॉर्निंग में, कल आपका मॉर्निंग टेस्ट हो जाएगा। जिसके अंदर तब तो जिसके अंदर बचा हुआ है वो मैं आपसे बोलूँगा कि आप यूट्यूब से, या फिर थोड़ा बहुत ही बचा हुआ इसको छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर छोड़ रहे हो, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर छोड़ रहे हो तो जो क्या हुआ है उसको अच्छे से कर लेना। जो जो अब तक पढ़ा दिया है मैंने, फर्स्ट चैप्टर वाला और ये वाले चैप्टर जितना पढ़ा दे, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, तो आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, बस खत्म कर।